morning my dear students, welcome to all my YouTube video channel Raja Education. Dear students, I hope all are you fine. Today I discuss this video important topic in Hindi grammar. मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में मैं हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ. मैं गणित का शिक्षक हूँ. आज गणित का मैं क्लास ले रहा था, लेकिन मैंने बोला ना, गलती से दो चार वीडियो हिंदी का बना दिया था. तो उसी में एक विद्यार्थी ने ये प्रश्न कहा, पूछा हमसे कि सर, वर्ण और अक्षर क्या एक ही है या अलग है. तो चलते हैं, आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं. जो प्रश्न हमारे पास आया था उसका आंसर मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता हूं. अगर वीडियो पसंद आ जाए मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पर जाकर अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि हमको उससे कुछ फायदा मिले, ताकि हम समझ पाए कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बच्चे के लिए लाभदायक है या नहीं. इसलिए कॉमेंट लिखना नहीं भूलिएगा. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जाते हैं और चलते हैं, देखते हैं जो ये वर्ण और अक्षर की बात आती है. इसका एक वीडियो संख्या 7 जो हमने बना रखा है उसको अपलोड किया हुआ है. आप बच्चों ने देखा था, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया. तो मैंने उसमें समान बताया था कि वर्ण और अक्षर एक ही है. उस वीडियो में मैंने यही बताने का, क्योंकि वो 10 क्लास तक के लिए हम बतलाए थे, तो उस हिसाब से वर्ण और अक्षर को हम लोग एक मानते थे, तो उसके आधार पर हम वहां पर बतला दिए थे. लेकिन वर्ण और अक्षर एक नहीं है, सबका अलग अलग मत है ना. तो यहां पर देखते हैं हम लोग. पहला मेरा वही है, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, ये प्रश्न पूछा गया था, ये क्वेश्चन था. तो देखिए, वर्ण और अक्षर में मैं अंतर बताता हूं आपको, कि हम पिछला वीडियो में मैंने दोनों सेम रखा था. यहां पर देखिए, मैंने वर्ण का डिफिनेशन लिख रखा है. वर्ण का डिफिनेशन है, मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता है. यानी मूल ध्वनि, हमारे मुख से निकलने वाली मूल ध्वनि, जिसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसको और खंड नहीं किया जा सकता है. यानी कह सकते हैं हम लोग कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं. वर्ण जो है हिंदी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं. इससे और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है. जैसे हम लोग साइंस में कहते हैं, कोशिका क्या है, सबसे छोटा क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है, है ना. उसके बाद अंग तंत्र बनता है. उसी प्रकार से वर्ण जो है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है. तो अब रही बात कि क्या क एक वर्ण है, क तो क वर्ण नहीं है. लेकिन हम वहां पर स्वर वर्ण का, स्वर और व्यंजन वर्ण, दो वर्ण पर प्रकार हम बतलाते थे. तो देखिए, पिछला वीडियो में हमने जो बात किया था, अ आ ह्रस्व दीर्घ जो है ये वर्ण है, निसंदेह. इसको उच्चारित हम लोग एक श्वास में, मतलब श्वास के एक आघात में हम लोग उच्चारित करते हैं, इसलिए ये सब क्या हो गया हमारा, सॉरी एक नहीं, इसका उच्चारण में हम किसी दूसरे का सहयोग नहीं लेते हैं. यानी इसको और खंड, इस ध्वनि को और खंड नहीं किया जा सकता. ओ आ तरह जितना सारा आता है, ह्रस्व दीर्घ या सॉरी सब जो आता है, ओ औ क ख ग, ये सब जो है ये सारा हमारा किस में आ जाएगा, वर्ण में आ जाएगा. और अक्षर की बात अगर किया जाए, तो अक्षर क्या है, श्वास के एक आघात में उच्चारित ध्वनि इकाई. यानी श्वास में एक साथ, जैसे क ओ आ ई न का की कु, ये सारा जो है हमारा क्या है, ये सारा अक्षर है. तो अक्षर जितने सारे वर्ण है, जितने सारे हमारा वर्ण है, वो सारा वर्ण क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा. लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होगा. जैसे क एक अक्षर है, यहां जो हम लिखते हैं व्यंजन वर्ग क, क जोड़ अ, क जोड़ अ, तो क जोड़ अ जो है एक अक्षर है ये क. तो इसमें दो वर्ण का मेल हुआ है, एक व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण. तो हम लोग व्यंजन वर्ण में ये क ख ग घ इस सबको हम लोग व्यंजन वर्ण में कहते हैं. क ख ग घ अंग इस तरह करके जितना हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं. लेकिन व्यंजन वर्ण नहीं है, बल्कि इसके साथ
स्वर और वर्ण मिला हुआ है। तो व्यंजन वर्ण जो होता है, जिसको हमने बार बार अपना वीडियो में रिपीट किया था, शुद्ध व्यंजन यानी व्यंजन वर्ण ये है क, ख, ग, घ, यानी इसको और खंड नहीं किया जा सकता, यानी क के साथ हलंत आ गया तो उसको और खंड नहीं किया जा सकता है, ख के साथ एक हल का चिन्ह आ गया तो उसको और हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं, ग के साथ अगर आ जाएगा तो उसको हम लोग और खंड नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम क ख को अगर हम मान लेते हैं वर्ण, अगर हम क ख ग घ को अगर हम वर्ण मान लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क को वर्ण हम कैसे मानेंगे, क्योंकि क को हम खंड कर सकते हैं, क जोड़ अ ये खंड हो जाएगा, इसीलिए क एक अक्षर है वर्ण नहीं, लेकिन क वर्ण है अ भी वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण हमारा कौन कहलाएगा, क कहलाएगा, ना कि क कहलाएगा। तो वर्ण और अक्षर में यही फर्क है मेरे दोस्त, इसी के बारे में आज का वीडियो में हम उपस्थित हुए थे। तो आपको यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, हर प्रश्न आपको पूछ रहे हैं, आप आंसर दीजिएगा। राजा लिखा हुआ है, इसमें कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आप देखिए, वर्ण लिखने के लिए आपको क्या करना है, वर्ण जब लिखिएगा तो पहले क्या होगा, एक वर्ण र होगा, उसके बाद आ की मात्रा आया है इसमें, उसके बाद ज होगा और उसके बाद आ होगा, तो कैट हो गया। राजा में वर्णों की संख्या 1 2 3 4, यानी टोटल कितना हो गया हमारा, 4 हो गया राजा में वर्ण की संख्या। अक्षर कितना हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा राजा में रा और जा, यानी अक्षर की संख्या 2 हो गया। तो राजा में वर्ण की संख्या 4 और अक्षर की संख्या 2 हो गया। अगर वर्ण और अक्षर सेम होता तो आंसर भी तो सेम आता, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। हम थोड़ा आगे आप लोगों 10 क्लास से आगे की बात हम थोड़ा कर दे रहे हैं, तो ये वर्ण और ये अक्षर में अंतर है। यहीं पर आप चले जाइए सत्य में, तो सत्य में वर्ण के बारे में अगर पूछा जाए तो वर्ण के लिए स होगा, अ होगा, उसके बाद त होगा, उसके बाद फिर अ होगा, त होगा, फिर अ होगा, तो ये हो गया हमारा, सॉरी त के बाद य है, य और अ है, कितना हो गया 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गया वर्ण। सत्य में वर्ण कितना हो गया, 5, लेकिन जब हम क्या कहते हैं अक्षर लिखते हैं, तो अक्षर लिखेंगे तो अक्षर कैट हो जाएगा, तो एक अक्षर 100 है प्लस त अक्षर नहीं है, ये अक्षर नहीं हो सकता है, है ना, अक्षर नहीं हो सकता है, और ये र, यानी अक्षर वर्णों के मेल से बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है अक्षर की संख्या, यहां पर हमारा क्या हो गया, उच्चारित नहीं हो सकता है, तो यहां सत्य में 2 हमारा अक्षर है, वर्ण नहीं है, अक्षर हमारा 2 है। तो अब हम लोग चले जाते हैं, अब देखिए स्वर सहित, यानी अक्षर में कौन होगा ये चीज जान लीजिएगा। अक्षर का यहां पर हम लिख दिए हैं बगल में, अक्षर का श्वास के एक आघात में उच्चारित ध्वनि इकाई को अक्षर कहते हैं, जैसे स्वर वर्ण जितने सारे हैं सभी अक्षर होंगे, लेकिन व्यंजन वर्ण नहीं, व्यंजन वर्ण स्वर सहित अगर है तो अक्षर होगा, ये त में क्या हो गया, स्वर रहित हो गया, इसलिए यह अक्षर नहीं होगा, इसमें अ लगा रहेगा, यानी यहां पर लिखा हुआ देखिए, स्वर या स्वर सहित व्यंजन, व्यंजन जो होगा वो स्वर सहित होगा, वर्ण जो हम लोग कहते हैं व्यंजन, क ख ग व्यंजन है लेकिन वर्ण नहीं है, वो अक्षर है, व्यंजन अक्षर, तो स्वर सहित वाले को अक्षर हम लोग कहेंगे, लेकिन यहां पर त में स्वर नहीं है इसलिए ये अक्षर में नहीं आएगा। स और र अक्षर में आया तो अक्षर की संख्या 2 हो गया और वर्णों की संख्या 5 हो गया। तो आपको समझ में आया ये अक्षर क्यों नहीं हुआ, यही अगर स्वर वाला होता ओ आ हर्षय दीर्घय तो वो अक्षर में आ जाता,
लेकिन यहाँ शुद्ध व्यंजन है तो शुद्ध व्यंजन अक्षर के रूप में नहीं होता है, सिर्फ स्वर वर्ण जो है वो अक्षर कहलाता है। व्यंजन वर्ण शुद्ध व्यंजन हमारा अक्षर का काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से आप एक शब्द और देख लीजिए जो हम अभी लिखे थे, एक शब्द और हम लोग लिखे थे कमल, एक हम लोग कमल लिखे थे, तो कमल में भी आप देख लीजिए या कलम या कमल लिखते हैं कमल ही लिखते हैं कमल, तो इसमें अगर हम वर्ण लिखते हैं तो क अ म अ ल अ, एक दो तीन चार पाँच छ हो जाएगा, है ना। और अक्षर लिखाएंगे तो क म ल, तीन हो जाएगा। बहुत सारा यहाँ पर हिंदी में कहता है, इंग्लिश में ल के बाद अ है तो ए नहीं लगता है, एल छोड़ देते हैं, तो वहां पर वो इंग्लिश का बात है, हिंदी में आपको यहाँ पांच नहीं लिखना है बल्कि इस प्रकार से हमारा छ होगा। अगर कमल में हम अगर यहाँ ये अगर अ नहीं लिखते हैं तब तो ऐसा हो जाएगा कमल हमारा, कम ल में हलंत लग जाएगा, हम लोग कमल ऐसा लिखते नहीं है तो वो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वर्ण और अक्षर जो मेरा क्लास में जो हमको क्वेश्चन पूछा गया था बता देना चाहता हूँ। वीडियो के ऊपर में इस साइड में आपको एक आई बटन दिखता होगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आप उसको जैसे क्लिक करेंगे तो इससे पहले वाला वीडियो जो हम बोल रहे थे कि जिसमें हम अक्षर और वर्ण के बारे में बतलाए हैं वो वीडियो आपको मिलेगा, उसको भी जरूर देखिएगा, उसमें भी इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। और अगर ये वीडियो जरूर पसंद आया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट लिखिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि मेरा चैनल का अपडेट आपको मिलता रहे और इस प्रकार का और वीडियो आपको देखने का मौका मिले। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।